आपके अपने चैनल जैन ब्रदर्स इंडिया में। तो मेरा नाम है नितिन और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिंदी और बुक का नाम है आरओ, ठीक है। और चैप्टर का नाम है बाजार दर्शन और इसके जो बाजार दर्शन के जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र कुमार। और ये एक बाजार दर्शन क्या है, एक निबंध है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये अपनी क्या है जो हिंदी क्लास 12th की हिंदी है, ये इसका नाम है अभिमन्यु सीरीज, ठीक है। इसमें आपको एक हर जो जितने भी चैप्टर हैं उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से उसकी जो भी कहानी है, जो भी निबंध है या जो भी कोई सा भी चैप्टर है उसको अच्छे से आपको याद करवाया जाएगा इसमें क्या दे रखा है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है। तो आज का जो हमारा निबंध है उसका नाम है बाजार दर्शन। तो इस निबंध में क्या है, लेखक ने क्या बताया गया है, तो इसको पहले जान लेते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन किया गया है। क्या किया गया है, यानी कि बाजार जो होता है अपना मार्केट होता है उसके जो सदुपयोग होते हैं, दुरुपयोग होते हैं, उसमें उसका छोटा सा क्या है चिंतन किया गया है, उस पर विचार व्यक्त किए गए हैं। किसके द्वारा, लेखक के द्वारा। लेखक कौन है, चिंतन कुमार। इसमें लेखक ने उपभोक्तावाद को उदाहरण से समझाया, उपभोक्तावाद क्या है उसको भी इस चैप्टर में भी जानेंगे, ठीक है, आगे जानेंगे, उसको उदाहरण से समझाया है। लेखक ने बताया है कि बाजार, अब देखो लेखक ने बाजार को क्या बताया है, तो लेखक ने बाजार को मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति का साधन बताया है। लेकिन ऐसा अभी तो नहीं हो रहा, अभी ये क्या हो रहा है, अभी तो शोषण दिखावे और हम पूर्ति का नहीं, यानी कि यह लेखक के अनुसार बाजार क्या होता है, एक आवश्यकता पूर्ति का साधन, यानी कि जो कोई भी चीज हो आपको आवश्यक है, आवश्यकता है तो बाजार से खरीद लाइए, वो शोषण दिखावे का कोई एक साधन नहीं है जो कि आजकल बन चुका है, इसका मेन है। अब आपको समझ में आ गया। इसमें लेखक बताते हैं आगे लेखक के मित्र बाजार में मामूली सी चीज लेने गए, यानी कि इसमें अपना लेखक अपना दोस्त का एक किस्सा बताते हैं कि लेखक के जो मित्र हैं वो एक बाजार से मामूली चीज लेने गए थे, किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर, चकाचौंध देखकर, ठीक है, आकर्षण देखकर उन्होंने अनेकों चीज ले ली, कई सारी चीजें उन्होंने ले ली। आपको पता होगा कि आप कभी भी बाजार गए होंगे तो बाजार ऐसे सजा होता है कि लेने कुछ जाते हैं ले कुछ आते हैं, ऐसे ही उनका जो लेखक के मित्र हैं वो बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वो सारी चीज ले आए। जब लेखक ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने सारा दोस्त, यानी कि जो भी खरीदा है उसका दोस्त किस पे लगा दिया, पत्नी पे लगा दिया। अब उसके दोस्त के दोस्त लेखक के मित्र के अनुसार तो यह जो वो सामान लाए थे वो उसका दोस्त किसको बताया कि पत्नी के, ये तो पत्नी की वजह से आया है, लेकिन लेखक ने इसका एक कारण बताया है। लेखक ने बताया है कि ये कोई पत्नी वगैरह की वजह से नहीं आया, ये आया है सारा दोस्त किसका है, पैसों की गर्मी का, परचेजिंग पावर का, यानी कि पैसों का गुरूर का, लिक्विडिटी का, यानी कि अपन को पैसों को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी, यानी जिसके पास जितना पैसा है वो जितनी चीजें खरीदेगा दिखाने के लिए, दिखावे का एक तरीके से कह सकते हैं। तो लेखक ने बताया कि सारा दोस्त क्या है, पैसों की गर्मी का है, परचेजिंग पावर का है। आगे चलते हैं कि पैसों का पावर उसका प्रदर्शन करने के लिए, पैसों की पावर उसका प्रदर्शन करने के लिए आसपास सामान बंगला कोटे एकत्रित करते रहते हैं, यानी कई लोग क्या है पैसों का प्रदर्शन करने के लिए बड़ा बड़ा मकान खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, दिखावे कि मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, ये लेखक बताते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को यहाँ पे लेकिन नहीं है, लेकिन है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने की, कई लोग क्या होते हैं इसके अलावा कि कई लोग पैसों को पावर समझकर उसे जोड़ते रहते हैं और उनके पास पैसा जुड़ा रहता है तो वो खुश रहते हैं, यानी कई बार कंजूस लोग भी हो सकते हैं आपके, कई सारे लोग होते हैं कि अपने पास पैसा रहता है तो खुश रहते हैं, वो खरीदते वरीदते उनसे कोई मतलब नहीं है,
सिखाने उखाने, उनके पास जो पैसा जुड़ा रहता है वो घुस में कुछ रहते हैं, एक तरह के ये भी आदमी होते हैं। अब देखो बाजार, बाजार का आकर्षण, अब बाजार का आकर्षण क्या है, बाजार की चकाचौंध। देखो अपन क्या होता है कि फालतू खरीदी का एक कारण क्या है, यानी कि जो अपन फिजूल खर्ची करते हैं उसका एक मेन कारण बताया लेखक ने, बाजार का आकर्षण। बाजार का आकर्षण को लेखक ने सबसे बड़ा फिजूल खर्ची का कारण बताया है। देखो जो लोग आकर्षण का शिकार हो जाते हैं वे बुरे तरह फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि जो भी जो व्यक्ति इस बाजार के चकाचौंध को देखकर, आकर्षण को देखकर इसमें फंस जाता है तो उस अपना पैसों का नुकसान कर बैठता है, यानी कि अपना खुद का नुकसान कर बैठ, यानी कि जो चीज उसको नहीं चाहिए होती वो भी चीज वो बाजार से ले आता है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा उदाहरण है कि एक लेखक का एक मित्र, लेखक अपने दूसरे मित्र के एक किस्सा सुनाता है कि एक मित्र बाजार की चमक धमक इस प्रकार में फंस गया कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कुछ नहीं खरीद पाया। यानी कि एक मित्र तो बहुत कुछ खरीद लाया है, और एक मित्र तो था उनका कि जो दिन भर घूमता रहा बाजार में लेकिन वो कुछ खरीद नहीं पाया। तो लेखक ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इसका कारण उसने लेखक को बताया कि बाजार, ये भी टाइपिंग सॉरी, यहाँ बाजार है, बाजार में सभी कुछ उसे पसंद आया, यानी कि जो लेखक का मित्र थे दूसरे वाले उसको उनको जो बाजार में कई पूरी चीजें पसंद आ गई, कई पूरे जितने भी सामान थे वो पसंद आ गए दुकान के एक दो। अब वो बता रहे हैं कि एक दो वस्तु ले लेता तो वस्तु को कई सारी बाकी की वस्तुओं को छोड़ना पड़ता, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ करना, छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए वो कुछ ही नहीं खरीद पाया, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीद सका। लेखक ने ये अर्थ निकाला, अब लेखक के अनुसार ये अर्थ निकाला कि अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं हो तो हम ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है। हाँ, तो लेखक का मानना है कि यदि अपन को ये पता नहीं है कि अपन को क्या खरीदना है, अपन की आवश्यकता क्या है, तो अपन कुछ भी खरीद लाएंगे, तो अपन को ये पता ही नहीं रहेंगे कि बाजार के अंदर अपन को खरीदना क्या है क्या नहीं खरीदना, और इसका क्या है, अपन को ये पता नहीं रहता तो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। अब बाजार का जादू, अब लेखक का एक और टॉपिक है कि बाजार का जादू। अब लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है, यानी कि बाजार का जो जादू है, आकर्षण है, और जो बाजार के एक ऐसा जाल है वो आपके पास पैसा हो तब भी चल जाएगा, पैसे जेब में पैसे हो तब भी चल जाएगा, और पैसे नहीं हो तब भी चल जाएगा। जैसे अगर जेब खाली हो, खाली नहीं है, खाली गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है उसको ध्यान रखना, अगर जेब खाली हो और मन भरा हो तो बाजार अपनी तरफ खींचता है, अगर जेब भरी है तब भी खींच लेते हैं, यदि जेब खाली हो और मन भरा हुआ नहीं हो, यानी कि अपन के पास पैसे नहीं है लेकिन अपन देख रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, कहीं अपन देखते होंगे ना, अपन मेले में जाते हैं अपने पास पैसे नहीं रहते हैं कहीं बाहर, या कुछ चीज पैसे नहीं होते बाजार जाते हैं तो अपन को शायद मैं ये भी ले लेता, शायद बच्चे को देखा ये खिलौना मेरे को चाहिए, अपने दोस्तों से जब स्कूल से आते हैं बाजार तो मेरे को चाहिए, या मैं ये भी खरीद लेता, या मैं खरीद लेता, तब भी ये बाजार का क्या है, एक जादू है। और जब अब फिर पैसे हो और मन खाली हो तो और बढ़कर चलता है, तो फिर कुछ भी खरीदता है। ठीक है, जादू उतरने पर पता चलता है। हाँ ठीक है, भरी जेब हो और मन खाली हो तो खूब चलेगा, परंतु जब अपन सब चीज खरीद लेते हैं, पैसे खाली हो जाते हैं, अच्छे से पूरा वो शॉपिंग कर लेते हैं, जब ये बाजार का जादू घर पे आते हैं, बाजार का जादू खत्म होता है तो अपन को पता चलता है, वो पता चलता है कि वास्तव में आराम पहुंचाने के बजाय आलस्य को बढ़ाती है। यानी कि अपन ने कोई चीज मान लो आज, पहले के टाइम जो क्या थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी घर में, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन आ गई, तो यह है पहले हाथ से बनाए थे, अब क्या हो गया, वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है, और जो भी है व्यक्ति यानी कि जो भी महिला है घर की वो क्या है, आराम करेगी और कपड़े धुलते रहेंगे, तो यह क्या है, जो आराम पहुंचाने वाली चीज है ये आलस्य को बढ़ाती है। लेखक का मानना, जादू को रोकने के लिए उपाय, अब देखो इस जादू को कैसे कम कर जा सकता है, बाजार के जादू को कैसे कम कर सकते हैं,
बाजार आने से पहले मन खाली ना हो। तो लेखक बताते हैं कि यदि आपको इस बाजार के जादू से बचना है तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए, आपके पास ये टारगेट होना चाहिए, आपके पास ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है। आकर्षण से अपने आप को बचा पाएंगे, खरीदी वस्तु भी आधान, और इससे क्या होगा कि आप बाजार के आकर्षण से भी बच पाएंगे, बाजार के जादू से भी बच पाएंगे, और इस और बाद में आपको पश्चाताप भी नहीं होगा। ठीक है, और आनंद भी मिलेगा कि पैसे बच गए आपके। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में एक भगत जी का किस्सा भी जयनंद कुमार बताते हैं कि लेखक के पड़ोस में एक भगत जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो कि चूर्ण बेचा करते थे। उनका जो चूर्ण था वो काफी फेमस था, काफी अच्छा था। वो प्रतिदिन से आने से अधिक नहीं कमाते थे। उनका एक वसूल था, उनका एक नियम था कि वो उनको एक लक्ष्य था कि उनको 6 आने से ज्यादा नहीं कमाना, यानी उनको कुछ भी लालच नहीं था, उनको 6 आने से ज्यादा कमाना ही नहीं था। इसलिए अपना इसलिए वो क्या करते थे, वो थोक व्यापारी यानी कि उनके जो ऑर्डर आते थे बड़े बड़े व्यापारियों से, या वो बाजार में इनको बेचा नहीं करते थे, वो खुद बनाते थे, खुद बेचा करते थे और 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते थे। उनका क्या था, निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर, यानी कि कुछ उनका नियम था कि कुछ सुबह जाना है या शाम को जाना है, एक निश्चित समय पर पेटी उठाकर वो चूर्ण बेचने निकलते। उनका मैंने बताया ना, उनका चूर्ण काफी फेमस था, तो उनका हाथों हाथ बिक जाता था। और कुछ लोग तो उनको सद्भावना देने, यानी कि सद्भावना देने के लिए, उनको उनकी जो तकलीफ को कम करने के लिए कि वो ज्यादा देर रुक नहीं पाए, यानी कि उनको चाहिए आने जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए और ज्यादा उनको कष्ट नहीं हो बेचने के लिए, तो सद्भावना प्रकट करने के लिए उनसे चूर्ण खरीद लेते थे। जैसे ही छे आने की उनकी कमाई पूरी हो जाती थी तो वो क्या करते थे, बाकी का जो भी चूर्ण था वो बालकों पे बांट देते थे, यानी कि मुफ्त में यानी कि फ्री में बांट देते थे। यानी कि आप देख रहे हो कि भगत जी को बिल्कुल भी लालच नहीं था। तो लेखक का मानना था कि भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चलता। ठीक है, अब कैसे चलेगा, उनको तो लालची नहीं हो, और लालची व्यक्ति कोई क्या है, बाजार आकर्षित करता है, वो शायद निरक्षर। लेखक बताते हैं भले ही वो अनपढ़ हो या उनको पढ़ाई नहीं की हो, तो बड़ी बड़ी बातें वो नहीं जानते हो, लेकिन वो परंतु बाजार उनके सामने व्यस्त पड़ जाता है। भले वो अनपढ़ हो या यदि वो बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हो, पढ़ाई की बात नहीं जानते हो, लेकिन वो बड़े आदमियों से, पढ़े लिखे आदमियों से भी ज्यादा बाजार उनके सामने व्यस्त पड़ जाता है। यानी कि बड़े आदमी तो चकाचौंध में फंस जाते हैं, लेकिन भगत जी उन बाजार को भी विवश होना पड़ता है, पैसा भीख मांगता है भगत जी के सामने, पैसा भीख मांगता है कैसे, कि व्यापारी पैसा दे रहा है कि मेरे लिए चूर्ण लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर वगैरह नहीं लेते, मुझे ले लो, परंतु निगम मनुष्य मन पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। यानी कि भगत जी का ऐसा हृदय है पैसों के लिए, ऐसा लालच नहीं है, वो जरा भी इस पर दया नहीं करते। कई बार यदि कोई मोटर दूर उड़ाती हुई जाती है, यानी कि अपने सामने कोई एक गाड़ी लग्जरी गाड़ी जाती है, तो अपन सोचते हैं कि खास कि हम भी किसी अमीर आदमी के घर पे होते, अमीर आदमी की तरह हमारे पास भी कार होती, हम भी कार में होते और जाते, किंतु भगत जी पर ऐसा नहीं सोचते, यानी भगत जी ऐसा नहीं सोचते थे। ठीक है, अब आते हैं बाजार की सार्थकता, यानी कि बाजार किस सार्थकता है, यानी बाजार का सच्ची क्या है, बाजार का असली मकसद क्या है। तो लेखक के अनुसार बाजार को सार्थक यानी कि सच्चा बनाने के लिए वही मनुष्य दे सकता है। यानी कि लेखक बाजार को सार्थक, बाजार सार्थक जब भी हो सकता है और वही मनुष्य दे सकता है, उसे उसे जब ये पता हो कि उसे क्या खरीदना है, मैंने बताया ना कि उसके पास लक्ष्य हो कि उसे क्या खरीदना है, जब तो बाजार उसके लिए सार्थक है, अन्यथा ये तो फिजूल खर्ची वाला है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने, मनुष्य खरीदने, जो अनावश्यक वस्तु खरीदता है मनुष्य,
वो खरीदने के ताकत के घरों में, यानी कि वो परचेजिंग पावर के घरों में शैतानी शक्ति और आक्रोश बढ़ाता है, यानी कि शैतानी शक्ति और आक्रोश कैसे, यानी कि वो कुछ भी नाप-सनाप चीज खरीद लेता है, यानी कार खरीद लेता है या कुछ गाड़ी खरीद लेता है, तो दिखाता है कि मेरे पास, और को दिखावा दिखाता है, आक्रोश बताता है, ठीक है, गरीब व्यक्ति पे आक्रोश दिखाता है, और शैतानी शक्ति उसके क्या एक गर्व हो जाता है उस पर, ठीक है, अभिमान हो जाता है, तो ऐसी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है। लेखक ने अपने दोनों मित्र के उदाहरण देते हुए बताया कि अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है, ऐसा अर्थशास्त्र जो बाजार का पोषण करता है वो अनिश शास्त्र है, यानी कि जो ऐसे ऐसे परचेजिंग पावर को बढ़ाता है, ठीक है, वो अनिति शास्त्र बताया है, और उपभोक्तावाद को दुख और गरीबी ऋचा देता है, यानी कि जो उपभोक्तावाद है, यानी कि दिखावा है, जो परचेजिंग पावर है वो क्या करता है, दुख और गरीबी और ईर्ष्या ही देता है। इस बाजारवाद को लेकर गलत मानता है कि किसी लोगों को आवश्यकता आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण कपट बढ़ावा मिलता है, यानी कि इससे किसी का भला नहीं हो पाता, किसी को आदान प्रदान, किसी का कुछ भी नहीं होता, इससे क्या होता है, केवल कपट आदि बढ़ावा होता है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको भी वीडियो कैसे लगी, और इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसकी वीडियो अलग से